छोटे एवं मध्यम वर्गीय उद्यमियों को रोजगार दिए जाने के उद्देश्य को लेकर भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम सहयोग एवं संपर्क के नाम से देश के प्रधानमंत्री द्वारा शुक्रवार को योजना का शुभारंभ किया गया। इसी उद्देश्य को लेकर मुरादाबाद के पंचायत भवन के प्रांगण में सिंडिकेट बैंक की ओर से सूक्ष्म लघु एवं मध्यम वर्गीय उद्यमियों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सिंडिकेट बैंक के GM संपत कुमार चारी ने की व संचालन बैंक की वरिष्ठ अधिकारी अर्चना सिंह द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेने पहुंची केंद्रीय बाल विकास मंत्री मेनका गांधी का जिला प्रशासन व सिंडिकेट बैंक की प्रबंधन समिति द्वारा बुके देकर स्वागत किया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्रालय उद्यमिता की ओर से मौजूद रहे वरिष्ठ IAS अधिकारी अमित कुमार घोष द्वारा भी केंद्रीय मंत्री का बुके देकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में मौजूद रहे मुख्य अतिथियों द्वारा कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारम्भ किया गया, साथ ही स्कूल की छात्राओं द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि रहे वरिष्ठ IAS एवं उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार अमित कुमार घोष ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, आप जानते हैं कि मुरादाबाद का एक विशिष्ट स्थान है हस्तशिल्पों में, और मैं बताना चाहता हूँ कि मुरादाबाद के अग्रणी स्थान को बनाए रखने के लिए इसे चुना गया है पूरे देश के 100 जिलों में जहाँ पर कि आज ये कार्यक्रम हो रहा है। हमारे कार्यक्रम में माननीय केंद्रीय विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर श्रीमती मेनका गांधी जी मुख्य अतिथि हैं। दोस्तों, इस तरह के कार्यक्रम पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार हो रहे हैं, तो आप एक राष्ट्रीय कार्यक्रम में जुड़े हैं। आज आपको यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी की नजरिए ये जो स्क्रीन लगा है, तीन स्क्रीन लगे हैं, आपको संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जो नई योजना, जिसके बारे में अभी आपको मैनेजर साहब ने अनाउंस किया कि ये योजना हम लोग इन्होंने प्रस्तावित की है, उसके माध्यम से त्वरित गति से आपको लोन मिलेगा। आपके पास जो लोन के लिए बैंकों में जाना पड़ता है, वो प्रक्रिया अब सरल होने जा रही है। आपको 1 घंटे से कम समय में लोन मिलेगा, ये योजना आपके सामने लाई जा रही है। मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, माननीय मंत्री जी और बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी इसके बारे में आपको संबोधित करेंगे। ये बताइए, आप में से कितने लोगों के पास मोबाइल है? लगभग सबके पास है, सबके पास इंटरनेट है, तो आप क्यों नहीं इंटरनेट पे अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन को? यही योजना, बहुत सारी योजनाएँ हैं जिसके बारे में मैं बोल सकता हूँ, लेकिन चूँकि प्रधानमंत्री जी का संबोधन 3:45 से प्रारंभ होना है, इसलिए अभी इस समय मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप लोगों को बधाई देता हूं कि आप एक राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा हैं। मैं सभी बैंकर साथियों से, जितने भी बैंक्स के सीनियर ऑफिसर सामने बैठे मंच पर हैं, मैं इन सबको बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं इनके अधिकारियों को और जो काउंटर्स लगे हैं, क्योंकि आप लोगों ने बड़े प्रयास करके अपने ग्राहकों को, अपने क्लाइंट्स को, अपने लोनीज को यहाँ बुलाया है, अपने आर्टिसंस को बुलाया है और ऐसे लोगों को बुलाया है जो कि बाद में इस प्रकार की योजनाओं में सम्मिलित किए जा सके। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम वर्गीय उद्यमी को रोजगार के लिए बैंकों के योगदान पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, लघु उद्योग भारत के इकोनॉमिक सिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। लघु उद्योग हमारी इंडस्ट्रियल आउटपुट का 45% और हमारे एक्सपोर्ट्स के 40% हिस्सा प्रदान करते हैं। लगभग 3 करोड़ लोग इन लघु उद्योगों में काम करते हैं। मुरादाबाद एक जाना माना इंडस्ट्रियल शहर है
और यहाँ लघु उद्योग कई दशकों से काम कर रहे हैं। 3.5 लाख लोग मुरादाबाद के लघु उद्योग में काम करते हैं। हमारी सरकार ने लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बहुत सी योजनाएं शुरू की हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, आप बता सकते हैं कि मुद्रा योजना में कितने लोगों को मिला है, कितने लोगों को लोन मिला? 32,000 लोगों को ये लोन मिला है मुद्रा योजना। स्टैंड अप इंडिया, MSME क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस प्रोग्राम, ऐसे कुछ योजनाएं हैं जो पिछले 4 साल से लघु उद्योग की मदद कर रहे हैं। हमारी सरकार ने 2 बीमा योजना भी शुरू की है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। योजनाओं से लघु उद्योग में काम करने वाले लोग एक्सीडेंट्स के लिए इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं। मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के अंतर्गत मुरादाबाद को मेटल आर्टवेयर के लघु उद्योगों को विकसित करने के लिए चुना है। मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि आप मेटल आर्टवेयर जो है दुनिया की सबसे सुंदर, सबसे आगे बहुत है और आप लोग सालों से इसको एक्सपोर्ट करके बहुत कमा रहे हैं देश के लिए। मैं आपके कई फैक्ट्रियों में जा चुकी हूँ यहाँ सालों में, एंड ईच टाइम बहुत ही सुंदर होता है। आपका जो नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में एक्सपोर्ट एक दफ़ा मेला होता है, उस पर मैं, हालांकि इंडियंस अलाउड नहीं है, मैं चुपचाप आती हूँ हर दफ़ा केवल आपका सामान देखने के लिए, और हर साल और भी अच्छा होता है। तो भारत में ना तो स्किल लेबर की कमी है और ना ही नए काम करने की स्पिरिट है, परंतु नया काम शुरू करने के लिए लोगों को धन की समस्या ज़रूर होती है। इन्हीं समस्याओं को समाप्त करने के लिए हमारी सरकार आज एक नया प्रोग्राम शुरू कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी आज लघु उद्योगों के लिए एक नई योजना शुरू कर रहे हैं, जिसमें से 1 करोड़ रुपए तक का लोन केवल 59 मिनट्स में स्वीकार किया जाएगा। अब आप ज़रूर इसका आजमा लेना, इसलिए क्योंकि जब पिज्ज़ा बेचते हैं तो कहते हैं 20 मिनट से अगर ज़्यादा मिले तो आपको मुफ्त में पिज्ज़ा मिलेगा, तो आप इसको आजमा करके देखिए, अगर 59 मिनट से ज़्यादा हो तो आप कहिए आपको मुफ्त में वो पैसा चाहिए। इसके लिए आपको एक नए वेब पोर्टल www और लिख लीजिएगा, अभी लिख लें बाद में लिख लें, लेकिन ये आपके काम में आएगा, www.psblons यानी कि psblons.in59minutes.com में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे और 59 मिनट्स में आपका लोन स्वीकार कर लिया जाएगा। लोन स्वीकार होने के 1 हफ्ते के अंदर बैंक आपको स्वीकृत किया हुआ पैसा भी दे देगा। मैं मुरादाबाद के सभी एंटरप्रेन्योर्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस नई योजना का लाभ उठाएं। मैं और ज़्यादा लंबा नहीं बोलूँगी, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैं खुश हूँ कि मुझे पूरा, बहुत सालों से हम लोग बाईपास से पीलीभीत जाते हैं, तो आज बहुत सालों के बाद मैं मुरादाबाद वापस आई हूँ और मुझे खुशी हुई, मुझे मौका मिला। ये शहर जो ऐतिहासिक भी है, सुंदर भी है, और मैं खास करके धन्यवाद देती हूँ मेयर साहब को, जो अपने जबान के पक्के भी हैं और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में भी मुरादाबाद ने बहुत अच्छा काम किया है और मैं धन्यवाद उनको देती हूँ। इस मौके पर सिंडिकेट बैंक के RM त्रिभुवन सिंह, मेयर विनोद अग्रवाल, जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह, ACM खालिद अंजुम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की संयोजिका प्रिया अग्रवाल, DPO अनुपमा शाडिल्य, DPO राजेश कुमार गुप्ता, प्रथमा बैंक अधिकारी रोहित सेठ, मनोज पांडे सहित हजारों की संख्या में महानगर के गणमान्य नागरिक, निर्यातक एवं बैंक अधिकारी व बैंक ग्राहक भी मौजूद रहे।